क्वेश्चन ये है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब सिंपल भाषा में समझा देता हूँ दोस्तों, जैसे 5 का संबंध 35 है, उसी प्रकार से आपको बताना है दोस्तों पहले प्रश्नवाचक चिन्ह का संबंध दूसरे प्रश्नवाचक चिन्ह से कैसे होगा। यानी यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सा विकल्प ठीक सटीक बैठेगा, जैसे ये 5 का संबंध 35 से। ठीक है, तो देखिए आप सिंपल भाषा में क्या सोच सकते हैं, 5 × 7 किया है, 5 × 7 = 35, तो ये 11 × 5 किया है, ये 7 × 11 किया है, ये 3 × 8 = 24 होता है, ये 9 × 5 = 45 होता है। यानी किसी में दोस्तों ऑप्शन में 7 नहीं किया है। तब आप क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा अलग वे में सोचेंगे। ठीक है, अलग वे में सोचने का मतलब है दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, सिंपल ये प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, रीजनिंग का मतलब होता है थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, तो देखिए करना क्या है दोस्तों, ये 5 × 7 किया है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, 5 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन होती है, जो स्वयं से कटती है या एक से कटती है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। और इसके आगे अभाज्य संख्या कौन होगा दोस्तों, 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 तो 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। ठीक है, देखिए तो इसलिए इसके आगे क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या किया दोस्तों, ये 5 × 7 कर दिया, 5 × 7 = 35। ये 11 है, 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा, 12 तो होगा नहीं, 13 होगा। तो 11 दोस्तों गुने हम क्या करेंगे, 13। तो 11 × 13 करेंगे तो क्या 55 आएगा, नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नहीं होगा। चलिए ये 7 है ना, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं, ये 7 है ना, 7 के आगे अभाज्य संख्या क्या आएगा, 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10 नहीं होगा, 11 होगा। तो 7 × क्या करेंगे दोस्तों, 11 करेंगे। तो 7 × 11 क्या होता है दोस्तों, 77 होता है। यानी यहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्या होगा दोस्तों, पहले देखिएगा ऑप्शन नहीं, पहले आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह 7 होगा, दूसरे वाले पे क्या होगा, 77 होगा। ठीक उसी प्रकार से हो रहा है कि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, बी सही होगा। समझिएगा क्या किया है, एक बार और समझाता हूं, 5 का अगला जो अभाज्य संख्या है उससे गुना कर दिया है, 35 हो गया। इसी प्रकार से 7 का जो दोस्तों अगला अभाज्य संख्या है होता है, 7 के आगे कौन अभाज्य संख्या आता है, 11, 11 से गुना कर देगा तो 77 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।